अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। तो आज हम अम्मी के होम टाउन जा रहे हैं। वैसे तो नाना को दिल्ली आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अम्मी की बचपन की यादें वहीं पर ही हैं, छोटी छोटी। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे मामू की शादी है, तो हम लोगों को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वहाँ जाना है। ये मेरा सेकेंड टाइम है जाने का। जब बहुत छोटी थी जब गई थी मैं, और ये पेट्रोल पंप देखी कितना अच्छा बना रखा है, बिल्कुल किसान वगैरह सब इतने अच्छे तरीके से बना रखे हैं। तो हम अभी ये पेट्रोल डलवा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, इसके बाद हमारा सफ़र शुरू होगा। और बहुत ही अच्छा तरीके से इन्होंने किसान वगैरह बना रखे थे। पेट्रोल पंप पे ही लग नहीं रहा था पेट्रोल पंप है या फिर कुछ और। तो हमने अपना सफ़र मॉर्निंग में शुरू कर दिया था, 8 बजे हम निकल गए थे। तो अब हम ढाबे पे आ गए हैं। मेरे साथ मेरी खाला, मामू जिनकी शादी है, और भाई और अम्मी है, और ये मेरा भांजा नहीं भाई छोटा है, खाला का बेटा है। इसको जहाँ पर भी फ्लैग दिखता है वहाँ पर से सैल्यूट मारने लगता है, अच्छी आदत है। और ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि होटल नहीं सब्जी की मंडी का बाज़ार है, लेकिन अंदर से इंटीरियर बहुत अच्छा था, अच्छी वाइब आ रही थी, बहुत अच्छी तरीके से बना रखा था ये होटल। ये मामा ढाबा है शिवा का, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, यूपी के रास्ते में इसका पड़ना कंपलसरी है। और अब हमने लिया है पराठे, और एक ही लिया था पराठा, लेकिन लोगों को आपको पता ही है, कहीं जाने के बाद सबको मोबाइल से फुर्सत मिलेंगी जब ही तो खाएंगे। तो ये हमने ब्रेकफास्ट है, तो हमने थोड़ा लाइट मंगा लिया, और ये मेरे मामू फुल फॉर्म में है। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, और अब हम चलते हैं यहाँ से, और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। हमें अमरोहा जाना था कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने, क्योंकि मेरी अम्मी का होम टाउन यानी मेरी नानी नाना यहीं से बिलोंग करते हैं, और उनकी नानी भी सब यहीं से ही बिलोंग करते हैं। और ये मेरी नानी का घर है यानी नानी की बहन का, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहे हैं ये रिश्ते। और हमने इन्होंने हमें नाश्ता वगैरह करवाया, और ये मेरी खाला ने सदियों पुराना एक मेकअप बॉक्स निकाला है। ये मेरी अम्मी की दादी का मेकअप बॉक्स, मतलब 100 साल पुराना मेकअप बॉक्स, जब भी था और आज भी है, मेकअप का क्रेज़ बरकरार है। पहले भी लोगों को मेकअप अच्छा लगता था, और आज भी पागल हैं औरतें मेकअप के लिए। और ये पूरा चंदन की लकड़ी का है, और मेरा भाई कह रहा है कि मतलब इसके अंदर से भूत निकलेगा, जैसे भूल भुलैया में निकलता है ना, हाँ मैं जी तुम्हारा छिक 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 ऐसा। और ये इनका घर है, और इन्होंने इतने बहुत सारे हर तरीके का पौधा लगा रखा था, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, मतलब मैं तो कभी तो बहुत पहली बार ही देख रही थी कौन कौन से पौधे हैं। नहीं है कि हम यहाँ पर पहली बार आए, हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब 10-15 साल पहले। तो मेरी मेमोरी इतनी विविड नहीं है कि मुझे याद हो कि क्या हुआ था क्या था, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स याद है मेमोरीज के। और यहाँ पर ये अब देखिए, विलेज है तो गांव गांव की तरह ही होता है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा न्यू एक्सप्लोर करने को मिला। और ये काफ़ी पुराना बना हुआ है, और ये जैद कह रहा कि ये जो साइकिल है ये लोगों को पहले ज़माने में दहेजों में मिलती थी, वही रखी हुई है, पागल है वो बिल्कुल ही, कैसी कैसी बातें करता है। तो अब हम चलते हैं और घर में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये रिक्शा था, हम इसमें बैठ गए, तय करा नहीं ऐसे ही बैठ गए, भैया लेके चलो जहाँ लेके जाना है हमें। सो ये मेरी खाला और ये उनकी कज़न सिस्टर हैं, तो ये लेके चल रही हैं जहाँ जहाँ कार्ड लेके जाने, क्योंकि रास्ता हमको नहीं पता। तो ये मार्केट थी, मार्केट में ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे दिल्ली मार्केट अलग होती है यहाँ की मार्केट अलग है, नहीं, बिल्कुल जो सेम क्लोथ जो सेम फैशन चल रहा है वो भी वहीं पर था, मतलब ऐसा नहीं कि पिछड़े ज़माने का था, बिल्कुल अपडेटेड हो चुका है। ये मस्जिद है, मतलब बहुत टाइम पहले मेरे खाला बता रही थी कि ये किसी एक के ऊपर गिर गई थी जब ये बन रही थी, तो उनका इंतकाल हो गया था। खैर, और ये हम लोगों के घरों में जा जाके कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और ये देखिए, यहाँ पर कोई फेस्टिवल टाइप सा हो रहा था, मुझे पता नहीं है वो इस फेस्टिवल को क्या कहते हैं, लोगों के जुलूस निकल रहे थे, तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना ली कि कुछ न्यू है तो देख लें क्या क्या है, बना ही लेते वीडियो। गोटी गोटी के और प्यारे प्यारे बैरन के
तो यहाँ पर अमरोहा में ज़्यादातर बीड़ी वगैरह का काम होता है, तो यहाँ पर लोग घर घर में बनाते हैं और ये इनकी रोज़गारी है। तो ये अम्मी बना के दिखा रही थी मुझे कि कैसे बनती है बीड़ी, उन्होंने सीखी थी किसी से जब उनको शौक चढ़ा था। तो ये बीड़ी है, मैंने कहा देखो मुझे बना के दिखाओ ये कैसी बनती है। और ये मेरी नानी ने अम्मी को साग दिया है कि उन्होंने खुद ही वो जो पेड़ लगे थे ना उनमें उगाया, ये मतलब खुद फ्रेश तोड़े हुए पत्ते हैं ये। और अब हम खाना खा रहे हैं क्योंकि रात हो गई है, तो उन्होंने दही फुल्की बनाई, इतनी टेस्टी थी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, आपको बता नहीं सकती, गरम गरम रोटियों से मज़ा आ गया। और ये अब हम चलते हैं घर, और ये हमारी कार अटक गई थी, गली छोटी थी तो कार अटक गई थी, और अब हम परेशान हो गए थे रास्ते में, फिर कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बस दुआ कर रहे थे अल्लाह घर सही सलामत पहुँच जाए जल्दी, क्योंकि एक दिन का सफ़र था, सुबह को गए थे शाम को वापस आ गए थे। और ये मैं टाइम पास कर रही हूँ खेल के खाला के साथ, टाइम कट जाए। और अब हम पहुँच चुके थे घर, और ये नेक्स्ट डे का है, जब उसके बाद मैं बहुत थक गई थी तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, ये नेक्स्ट डे का था। ये अम्मी काम वगैरह कर रही थी, और ये भाई वगैरह तो पैर पर खाना चल रहा है, ये मेरा छोटा आनू पकौड़ा है ये खाना खा रहा था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली, लड़की है लेकिन हमें ज़्यादा ऐसे ही बोलते हैं थोड़ी लड़की के तरीके से। और ये अरसना, और अभी हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो मैं अब सफाई वगैरह करूँगी क्योंकि बहुत थक गए थे तो लेट उठे थे। और अब हमारे घर की हालत थोड़ी गंदी सी हो रही है, और हम सफाई करेंगे। और ये मैंने घर की सफाई कर दी है, हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, और ये कपड़े वगैरह हैं, मम्मी से के कपड़े वगैरह निकाले कि आप ये पहनना। और इतने दिनों बाद घर की सफाई इतनी अच्छी तरीके से करी थी, मुझे भी घर इतना अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, ईद के टाइम पर ही करी होगी ऐसी सफाई। मैंने जितना भी हमारा सामान रखा रहता है, जब कभी ईद बकरीद होती जब निकालते हैं, वो सारा सामान निकाल के रखा था क्योंकि कुछ स्पेशली गेस्ट आ रहे थे। और ये देखिए घर कितना अच्छा साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है, सब रेडी हुए हुए हैं मेहमानों के इंतज़ार में। और मैं अपने चैनल नहीं मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।